हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष कैसेट। गाइस, सभी को पता है सालार सीज फायर पार्ट वन के लिए जितना नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है और कुछ सिलेक्टेड यूट्यूबर भाई साहब ऐसा टारगेट कर रहे हैं सालार मूवी के बारे में, और आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आपने थंबनेल तो देख ही ली होगी। गाइस, काफी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हर्ष भाई ये क्या बोल रहा है, वो पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या बोल रहा है, आप प्लीज एक्सपोज्ड करें, आप कुछ बताएं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वो ऐसा वैसा। तो गाइस, इतने मैसेजेस हो गए कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ओनली मेरे इंस्टाग्राम पे 230 प्लस मेरे फॉलोअर्स हैं, लेकिन 1000 प्लस रिक्वेस्ट पड़ी है। आप मानेंगे नहीं गाइस, आप मानेंगे नहीं, पूरी की पूरी 1000 प्लस इसकी रिक्वेस्ट पड़ी। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है मुझसे। एक को रिप्लाई करता हूँ, सडनली दूसरे का मैसेज आ जाता है कि हर्ष भाई आप मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो गाइज, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रभास अन्ना सर के फैन के लिए और सालार सीज फायर पार्ट वन के लिए, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ क्यों लोगों को फेक कलेक्शन लग रहा है, क्यों ये साहिल भैया सालार मूवी को टारगेट करे, क्यों BST ऐसा बोल रहा है, मैं सब बता रहा हूँ। लेकिन आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, यार आप ही का तो YouTube चैनल है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। हाँ, तो गाइस कल BST भैया ने एक वीडियो बनाया था, उन्होंने फेक कलेक्शन की बात की, ओके? उसी के साथ साथ कल रात में शायद साहिल भैया ने बोला है कि डंकी मूवी ऐसा पेल रही है। हमारी डंकी मूवी अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है, तो क्या हमारे सालार अन्ना चुप बैठने वाले हैं क्या, इसके लिए नहीं है क्या? आप बताओ ना, जिस तरह से नॉर्थ में भाई साहब इसे स्क्रीनिंग मिल रही है ना, ये कुछ शाहरुख खान से ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, साहिल ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उनके थूके हुए फैन ने भी नहीं किया था, यानी कि आप समझ ही गए होंगे। गाइस, एक्चुअल में हुआ क्या है, मैं आप लोगों को पहले साहिल भैया का बताता हूँ, फिर BST का बताऊंगा कि एक्चुअल में मेरा क्रेडिट कहाँ जा रहा है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइस, पहले अपन बात करते हैं एडवांस बुकिंग के बारे में। तो गाइस, सालार सीज फायर पार्ट वन की जो भारत की एडवांस बुकिंग हुई थी, टोटल 3 मिलियन प्लस टिकट सोल्ड आउट हुए थे। कितने? 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख प्लस टिकट सोल्ड आउट हुए थे। वहीं अगर मैं डंकी की बात करूं तो डंकी के कितने हुए थे गाइस, एनीवन अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 5 से 6 लाख टिकट सोल्ड आउट हुए थे। वहीं अगर मैं एडवांस बुकिंग की बात करूं, जो उसका रिवेन्यू जनरेट मतलब जो हुआ था, वो हुआ था 15 करोड़ के लगभग का हुआ था। वहीं अगर सालार सीज की बात, सीज फायर पार्ट वन की बात करूं, तो 52 करोड़ प्लस का इसका हुआ था। ओवरसीज की अगर मैं बात करूं तो 2 मिलियन प्लस इसका टिकट सोल्ड आउट हुए थे। सबको पता है, पता नहीं 2 मिलियन प्लस इसका प्री सेल्स हुआ था, कितने का टिकट सोल्ड आउट होता है एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, यूएसए का, नॉर्थ अमेरिका का। तो गाइस, अब ये बोल रहे हैं साहिल भैया, बोल रहे हैं हमारी मूवी डंकी मूवी पूरा महीना पड़ा हुआ है, पटक पटक के मारने वाली, ओवरसीज में मारने वाली है। तो भाई, हमारे प्रभास अन्ना भी हट रहे हैं क्या पीछे? आपने डबल सेंस किया, डबल मीनिंग किया कि भाई साहब इसको इतनी स्क्रीन नहीं मिलना चाहिए, इतना नहीं मिलना चाहिए। भाई साहब, आप दमदार हो, आपका स्टारडम तगड़ा है, तो भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया है? और आप लोगों को पता होगा कि जब सालार सीज फायर पार्ट वन, यानी कि मतलब कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं, जब मार्केट में यानी कि थिएटर में जब जवान मूवी को रिलीज किया गया था ना, तब अपने प्रभास अन्ना सर ने एटले कुमार सर को, शाहरुख खान सर को, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे ट्वीट करते हुए कहा था। तो गाइस, ये है स्टार्डम हमारे प्रभास अन्ना सर का। और गाइस, एक बात और मैं बता देता हूं, अब इन लोगों को फेक कलेक्शन इसलिए लग रहा है, BST कुत्ते को इसलिए लग रहा है, साहिल छीटे को इसलिए लग रहा है। मैं आप लोगों को बताऊं, आज से 3 साल पहले जब पुष्पा द रेज लगी थी, पुष्पा पार्ट वन लगी थी, तब मेरा यूट्यूब भी नहीं था, काफी लोगों को पता मेरा यूट्यूब नहीं था उस समय। तो भाई साहब, आप मानेंगे नहीं, थिएटर में इतना हाउसफुल होने के बाद भी काफी मतलब कि 40 से 50 लोग थिएटर में भाई साहब स्टेप्स पे यानी कि सीढ़ियों पर बैठकर पुष्पा द राइज का एंजॉय किया था। तो गाइस, ऐसा पागलपन है प्रभास अन्ना सर का, इतना क्राउड है और उनके स्टारडम को कोई टच किया, उसे छूना तो दूर भाई साहब, दूर से देख भी नहीं सकता, क्योंकि जिस लेवल का उनका स्टारडम है ना भाई साहब, अच्छे अच्छे जलते हैं। और ये फेक कलेक्शन की जो बात करें ना, जो कि ऑलरेडी खुद ही फेक है, उन्हें ये नहीं पता है, जब भी वो भाई डंकी की अपडेट देते हैं, एडवांस बुकिंग देते हैं, भाई फिगर ही नहीं रहता उनके पास, इनके पास फिगर ही नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। बस ये हो गया, यूएसए में इतने लोगों से इतना 30% ऑक्यूपेंसी है, ये अबे भाई ऑक्यूपेंसी से क्या होगा, एडवांस बुकिंग दे रहे हो आप, एडवांस बुकिंग का प्रॉपर तरीके से उसका ग्रॉस बताओ, उसके टिकट कितने सोल्ड आउट हो गए, कितने शोज काउंट हो गए, ये पता ही नहीं, फिर भी जबरनी 1.5 लाख सब्सक्राइबर लेकर बैठे हुए, पता ही नहीं यार, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं यार, वो पाकिस्तान में बैठे उनको मतलब ही नहीं है, फिर भी यार
हेट करवा रहे हैं, फैन वॉर करा रहे हैं, पता नहीं यार क्या ही हो रहा है इंडियन सिनेमा में और अपने यूट्यूब पर। और गाइस अगर अब मैं बात करूं बीएचटी कुत्ते की जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर है, स्टार्टिंग में आपको एक बात मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं भाई सब, इसका जो ऑरा है बस ये है कि मुझे शाहरुख खान को सपोर्ट करना है, पठान मूवी को करना है, जवान को करना है, सीधा सीधा टारगेट करना अदर मूवी को करना है, क्योंकि प्रभास अन्ना सर की तरफ से व्यूज अच्छे आ जाते हैं, हमारा पैसा बन जाता है, ये हो जाता है। भाई मैं आप लोगों को बताऊं ना, डंकी मूवी की इतनी तगड़ी कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है, इतने बोर्ड सामने आए हैं, काफी लोगों को पता है। अब काफी लोग मुझे बोलेंगे कि हर्ष भाई आप हेट फैला रहे हो, तो भाई साहब वो लोग तो हम पर फूल बरसा रहे, हमारे प्रभास अन्ना पर फूल बरसा रहे, हमारी मूवी सालार सीज़फ़ायर पार्ट 1 पे बरसा रहे हैं, अपने साहिल भैया भाई साहब लो गुलाब लो लो गुलाब लो लो, ऐसा तो नहीं कर रहे ना गाइज, इनडायरेक्टली हेट फैला रहे हैं। गाइज अब यहां पर बीएसटी भैया बोलते हैं कि मैंने लियो की हर अपडेट पर काम किया। भाई कहां से काम किया, जो भी मेरे रेगुलर वीडियो देखता है, अगर एनीवन कोई थल्लापति विजय सर का फैन मेरा ये वीडियो देख रहा है, जो कि मैं खुद इतना डाई हार्ट फैन हूं, और गाइस कल मुझे लोग बोल रहे थे, काफी लोगों ने बोला कि हर्ष भाई आपने पार्टी चेंज कर ली, और भाई मैं शुरू से एक चीज में बोल रहा हूं कि प्रभास अन्ना और थल्लापति विजय सर का मैं डाई हार्ट फैन हूं, और उनकी मूवियों के लिए जिस तरह से काम करता हूं ना, तो आई थिंक कोई भी यूट्यूबर नहीं करता होगा, कोई भी यूट्यूबर नहीं करता। माना कि अभी मेरे सब्सक्राइबर मेरे फॉलोअर्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा कि इतने सब्सक्राइबर होंगे कि हर, और मैं जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, तो भाई मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर है ना, सभी को पता है हर्ष आर्या जब फ्री होता है उन्हें इनडायरेक्टली मैसेजेस करता, भाई कैसे हो, कैसा क्या चल रहा है, आगे होके मैसेजेस करता हूं। हां तो गाइस मैं बात बता देता हूं आप लोगों को, तो लियो के टाइम पे भी, और ये जो फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भाई किसने क्रिएट किया है, पठान के टाइम आप देख ले, जवान के टाइम आप देख ले, जवान के टाइम पे सालार सीज़फ़ायर पार्ट 1 को किस तरह से ट्रोल किया गया था, सबको पता है कि जवान के डर से भाग गए, शाहरुख खान सर के स्टारडम के डर से भाग गए, ये हो गया वो हो गया, प्रशांत नील सर में कोई दम नहीं है, प्रभास में कोई दम नहीं है। भाई साहब जितनी आपकी पब्लिक सिटी नॉर्थ में है ना, उतने ऑडियो लॉन्च में पहुंच जाते प्रभास अन्ना सर के, और जो स्टारडम भाई साहब प्रभास अन्ना सर का है ना, उसे कोई बीट नहीं करता, ये साहिल भैया जलते हैं प्रभास अन्ना से, जो कि खुद ही साउथ साइड ही रहते हैं, और बीएसटी का तो कोई मैटर ही नहीं है भाई, वो तो पाकिस्तान में रहता है, और मेरे को तो समझ नहीं आता है कि भाई वो पिक्चर है कहां पे देख रहा है, पिक्चर उसके पाकिस्तान में लगती नहीं है, बंदा रिव्यू दे रहा और चार चार पांच पांच लाख प्लस उसको व्यूज आ रहे हैं। मैं सच सच बताऊं ना, उसका हो रहा यही है कि बस मुझे ना सपोर्ट शाहरुख खान को करना है, टारगेट प्रभास को करना है। लास्ट लाइव में जब 200K प्लस उसके सब्सक्राइबर हो गए थे, प्रभास अन्ना को छपरी बोल रहा था, जहां पर मेरा भी नाम लिया था उसने कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, तो भाई साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमेशा से भाई साहब मेरा क्रेडिट चुराया मैंने लियो पे, दमदार लेवल पे काम किया, सभी को पता है सालार मूवी पे की हर अपडेट पर काम, उससे पहले सबसे पहले मेरी आती थी, बस ये है मैं अंडररेटेड यूट्यूबर हूं, सच बोलता हूं, जो ट्रूथनेस होता है तो वो लोगों को बुरा लगता है, इनडायरेक्टली लोग मुझे बोलते हैं कि हर्ष यार आप तो हेट स्पिरिट कर रहे हो, सालार को बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो, तो भाई साहब मेरा हेट स्पिरिट का करने का है नहीं, और मुझे, मैं आपको बताऊं, इतने यूट्यूबर मुझे, मतलब कि इतने लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपने पैसा लिया है, धमकी दे रहे हैं, तो भाई साहब मुझे इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि कौन मुझे पैसे का बोल रहा है, और यार मुझे पैसा दे देते तो मैं इस तरह का 400 रुपए का अपना वो यूज करता गया, और काफी लोगों को पता है मेरा स्टूडियो कैसा, भाई सब स्टूल पे रखे एक पेंट वाला डब्बे पे, मैं मेरा जो स्टूडियो वो प्रॉपर तरीके से, मैंने मेरा ट्राइपॉड भी यूज नहीं करता हूं, काफी लोगों को पता है। बाकी देखिए मुझे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप उन्हें देखते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, इसलिए भाई सब हवा में उड़ते जा रहे हैं, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना। इनडायरेक्टली मुझसे बोलने से क्या होगा कि बीएसटी क्या बोल रहा है, इसको मैं अब किस किस को रिप्लाई करूं, आप लोगों को पता ही है, मैंने काफी लोगों को कर दिया, सूरज भैया को कर दिया, शुभम भैया को कर दिया है, उसी के साथ वो चमचे या चमगादड़ जैसा अरवाज एक्स को कर दिया है, साहिल छीटे को कर दिया है, पाकिस्तानी के कुत्ते को कर दिया, सबको कर दिया, मैं किस किस का नेगेटिविटी फेस करूं, लोग मुझे इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। तो गाइस देखिए तगड़ा काम काज चल रहा है, सालार सीज़फ़ायर पार्ट 1 को भाई सब सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो साउथ इंडस्ट्री की जो मूवियां, तेलुगु की हो, तमिल की हो, मतलब कि जो भी हो ना भाई सब साउथ में, मतलब अपने नॉर्थ में प्रॉपर तरीके से लगना चाहिए। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं सालार सीज़फ़ायर पार्ट 1 के बारे में क्या लगता है, और मैंने जो आप लोगों को बताया तो उसमें कितना सच लगता है, और माफी चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगा तो उस चीज के लिए माफी चाहता हूं। बाकी अपने ओपिनियन भाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।